हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑन स्क्रीन रिव्यू में। और इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मोटोरोला एम्फिसाउंडएक्स 160W वर्सेस एलजी SJ3 300W। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने दोनों साउंड बार को स्क्रीन पे साइड बाय साइड प्लेस करके रखा है और जो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो भी मैंने पहले ही नोट डाउन करके रखे हैं। तो बस इन्हीं इंपॉर्टेंट फीचर्स की हेल्प से हम दोनों साउंड बार को स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेंगे और वीडियो के एंड में कंक्लूड करेंगे कि आपको कौन सा साउंड बार परचेस करना है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मोटोरोला एम्फिसाउंडएक्स के साथ जो आपको टोटल पावर आउटपुट मिल रहा है वो है 160 वैट का RMS पावर आउटपुट। कंपैरेटिवली अगर हम LG में देखें तो यहाँ पे हमें 300 वैट का RMS पावर आउटपुट LG में मिल रहा है। तो ये जो पावर आउटपुट है ये आपका हो जाता है साउंड बार और सबवूफर को मिला के 300 वैट। तो आप देख सकते हैं गाइस LG में हमें मोटोरोला से काफ़ी ज़्यादा पावर आउटपुट मिल रहा है 300 वैट का। उसके बाद आता है हमारा सबवूफर। तो सबवूफर में आप देख सकते हैं मोटोरोला के साथ जो सबवूफर मिल रहा है वो है 60 वैट का वायरलेस सबवूफर। कंपैरेटिवली अगर हम LG में देखें तो LG में हमें 180 वैट का वायरलेस सबवूफर मिल रहा है। तो सबवूफर का भी पावर आउटपुट LG का काफ़ी ज़्यादा है। बट गाइस एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हेवी बेस आपको मिलने वाला है वो मोटोरोला के 60 वैट के सबवूफर से ही आपको हेवी बेस यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये एक मोटोरोला का एड पॉइंट हो जाता है रिगार्डलेस ऑफ योर पावर आउटपुट। जो बेस होता है सबवूफर का वो मोटोरोला का काफ़ी हेवी बेस है। और एक एडवांटेज ये है कि दोनों सबवूफर वायरलेस सबवूफर है। तो वायरलेस सबवूफर के होने से आप आपके सबवूफर को आपके लिविंग रूम या ड्राॅइंग रूम में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। तो ये एक दोनों सबवूफर का एडवांटेज है। उसके बाद का पॉइंट आता है हमारा साउंड बार। तो जो साउंड बार का आउटपुट है वो मोटोरोला का है 100 वैट का साउंड बार आपको यहाँ पे मिल रहा है। एज कम्पेयर टू अगर हम LG में देखें तो LG में हमें 120 वैट का साउंड बार मिल रहा है। तो साउंड बार का आउटपुट आप देख सकते हैं LG में 120 वैट है और मोटोरोला में 100 वैट है। और जो ड्राइवर्स है वो मोटोरोला के साउंड बार में 4 फ्रंट फायरिंग ड्राइवर्स के साथ आ रहा है और जो हमारा LG का साउंड बार है वो 4 फ्रंट फायरिंग ड्राइवर्स प्लस 2 ट्विटर्स को मिलके 120 वैट का पावर आउटपुट डिलीवर कर रहा है। उसके बाद का हमारा फीचर आता है डॉल्बी डिजिटल। तो डॉल्बी डिजिटल में एक बात ये है गाइस कि दोनों साउंड बार डॉल्बी डिजिटल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दोनों साउंड बार का। तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलने वाला है। जो साउंड की क्लियरिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है डॉल्बी कॉन्फ़िगरेशन के होने से। तो जो आपके डायलॉग होते हैं, जो वोकल्स होते हैं, वो काफ़ी क्लियर डायलॉग यहाँ पे डिलीवर होते हैं डॉल्बी कॉन्फ़िगरेशन के होने से। तो हाँ गाइज, दोनों साउंड बार में हमको डॉल्बी डिजिटल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। ये एक एडवांटेज हो जाता है दोनों साउंड बार का कि दोनों साउंड बार डॉल्बी डिजिटल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम कनेक्टिविटी में देखें तो कनेक्टिविटी में मोटोरोला एम्फिसाउंडएक्स के साथ जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो है HDMI आर्क, ऑप्टिकल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB पोर्ट। कंपेरेटिवली अगर LG में देखें तो LG में हमें ऑप्टिकल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB पोर्ट मिल रहे हैं। तो LG में हमें HDMI पोर्ट नहीं मिल रहा है, जो कि हमें मोटोरोला एम्फिसाउंडएक्स में मिल रहा है HDMI आर। तो क्या होता है, HDMI पोर्ट होने से जो साउंड की क्लियरिटी है वो काफ़ी HD साउंड यहाँ पे डिलीवर होता है HDMI पोर्ट से। अगर आपके LED या LCD को अगर साउंड बार के साथ कनेक्ट करते हो तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है LG में। हाँ, ऑप्टिकल पोर्ट से भी आपको काफ़ी क्लियर साउंड डिलीवर होता है बट HDMI से थोड़ा ज़्यादा क्लियर साउंड यहाँ डिलीवर होता है आपको। और HDMI आर्क अगर आपके साउंड बार के साथ आता है तो ये तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये एक मोटोरोला एम्फिसाउंडएक्स में ज़्यादा मिल रहा है आपको, HDMI आर्क भी मिल रहा है बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ। तो मोटोरोला एम्फिसाउंडएक्स में आपको लगभग सभी कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपके इस साउंड बार को आपके किसी भी नए या पुराने TV के साथ इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मोटोरोला एम्फिसाउंडएक्स का। उसके बाद का फीचर आता है गाइस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो जो दोनों साउंड बार है वो 2.1 चैनल साउंड बार है। तो यहाँ पे आपको स्टीरियो साउंड इफेक्ट एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है दोनों साउंड बार के साथ। क्या होता है, एक 5.1 चैनल होता है और एक 2.1 चैनल होता है। तो जो 5.1 चैनल साउंड बार होते हैं वो आपको सराउंड साउंड इफेक्ट देते हैं और जो 2.1 चैनल साउंड बार होते हैं वो आपको स्टीरियो साउंड इफेक्ट देते हैं। तो दोनों साउंड बार आपको स्टीरियो साउंड इफेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं क्योंकि दोनों साउंड बार 2.1 चैनल के साथ आ रहे हैं। तो ये एक दोनों साउंड बार का सेम फीचर हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम मेंशन किया है।
उसके बाद आता है वॉल माउंट साउंड बार। तो हाँ गाइज, ये भी फीचर हम जनरली कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप आपके साउंड बार को जनरली आपके एलईडी या एलसीडी के नीचे या ऊपर ही माउंट करते हैं, तो इसीलिए ये मैंने मेंशन किया है कि दोनों साउंड बार वॉल माउंट आप कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने यस मेंशन करके रखा है। उसके बाद के हमारे फीचर्स आते हैं ओवरऑल रेटिंग। हाँ तो आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की ओवरऑल रेटिंग मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स की जो है वो है 4.3 स्टार। कंपेरेटिवली अगर हम एल जी में देखें तो एल जी में जो फ्लिपकार्ट की ओवरऑल रेटिंग है वो 4.2 स्टार है, तो जो मोटोरोला है उसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है, जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रेटिंग यहाँ पे दी हुई है। तो हाँ गाइज, मैं एक बात बता दूँ, जो मोटोरोला है उसका जो बेस है वो काफ़ी हेवी बेस है, थम्पिंग बेस जो होता है वो आपको मोटोरोला के सबवूफर से मिलने वाला है, तो ये मोटोरोला का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जबकि पावर आउटपुट जो सबवूफर का है वो एल जी के ज़्यादा है, बट फिर भी जो आपका सबवूफर है मोटोरोला का वो काफ़ी हेवी बेस प्रोवाइड करता है आपको, और जो साउंड की क्लियरिटी है वो भी मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स की काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी है। जो बैलेंस साउंड होता है, मतलब जो बेस और ट्रबल को मिलके जो बैलेंस साउंड आपको डिलीवर होता है, वो मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स का काफ़ी ज़्यादा बैलेंस साउंड आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये मोटोरोला का बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमारी अगर लॉन्च डेट की बात करें तो मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स जो लॉन्च हुआ था वो 23 जून 2020 को लॉन्च हुआ था, तो ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, कुछ 4 या 5 मंथ्स पहले। कंपेरेटिवली अगर हम एल जी में देखें तो एल जी की लॉन्च डेट है 26 जून 2018, तो ये लगभग 1.5 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, तो ये थोड़ा सा पुराना है मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स, थोड़ा सा नया साउंड बार ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बात करें प्राइस की तो मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स की अभी जो प्राइस चल रही है वो है 9,999। कंपेरेटिवली अगर हम एल जी में देखें तो एल जी की अभी की प्राइस जो है वो है 7,999। मैं एक बार फ्लिपकार्ट की स्क्रीन पे भी आपको दोनों की प्राइस दिखा देता हूँ गाइस, आप देख सकते हैं ये मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स है 160 वाट का साउंड बार, तो इसकी प्राइस जो है वो है 9,999। कंपेरेटिवली अगर हम एल जी की प्राइस देखें तो एल जी की अभी की प्राइस है 7,999, तो 2,000 रुपीज से हमारा मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स महंगा है एल जी से, बट जो फीचर्स है वो भी काफ़ी फीचर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स के साथ। कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी हमें लगभग सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो बेस है वो भी काफ़ी पंची बेस है, और जो बैलेंस साउंड आपको डिलीवर होता है वो भी मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स में काफ़ी बैलेंस साउंड आपको डिलीवर होता है, तो ये इसके एडवांटेजेस है मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स के। एल जी की बात करें तो एल जी में जो ट्रबल है वो थोड़ा ज़्यादा है, जो आपको यहाँ पे ट्विटर्स एक्स्ट्रा ट्विटर्स प्रोवाइड किए हैं, उन्होंने 2 ट्विटर्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हुए हैं एल जी के साउंड बार में, तो जो ट्रबल होता है वो थोड़ा ज़्यादा है, बेस उतना पंची बेस नहीं है, जो थम्पिंग बेस होता है वो उतना हेवी बेस यहाँ पे एल जी के सबवूफर से नहीं मिलता है हमें एज कम्पेयर टू मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स। तो ये हमारा एल जी का साउंड बार हो जाता है। उसके बाद के हमारे फीचर्स देखें तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर बात करें तो मोटोरोला एम्फिसाउंड एक्स के जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिल रहा है, डायनामिक रेंज कंट्रोल ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर्स है, एम्पलीफायर मिल रहा है इस साउंड बार के साथ, कुछ हॉट कीज है फॉर आपके प्रीसेट ऑडियो लाइक म्यूजिक मोड मूवी मोड, तो इस कुछ इक्विलाइजर मोड के लिए आपको आपके रिमोट में डेडिकेटेड बटन्स मिल रहे हैं इस साउंड बार में। कंपेरेटिवली अगर हम एल जी में देखें तो एक्स्ट्रा फीचर्स में हमें यहाँ पे ASC राइट साउंड टेक्नोलॉजी मिल रही है, ऐटो साउंड इंजन टेक्नोलॉजी मिल रही है, ऐटो म्यूजिक प्ले ट्विटर सपोर्ट मिल रहा है, और एम्पलीफायर सपोर्ट मिल रहा है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाते हैं एल जी के, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँ। एल जी में जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो ऑटो साउंड इंजन यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो इससे क्या होता है जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाती है, जो डायलॉग आपके डिलीवर हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, अगर आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो तो वहाँ पे जो बेस होता है वो काफ़ी कम बेस होता है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके मिल जाता है साउंड बार से ही, और अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो तो वहाँ पर काफ़ी हेवी बेस की ज़रूरत होती है, तो साउंड बार अपने हिसाब से वो बेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, तो वो एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर मिल जाता है आपको। इक्विलाइजर को मैन्युअली सेट करने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है, आप साउंड बार ऑटोमेटिकली
अपने हिसाब से इक्वलाइजर सेट कर देता है, तो ये एक इसका एडवांटेज है और ASC राइट साउंड टेक्नोलॉजी का। और अगर हम एक्टो साउंड इंजन देखें तो इसमें जो है वो आपको काफ़ी बैलेंस साउंड डिलीवर होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाते हो या बहुत कम वॉल्यूम करते हो तो भी जो आपका बैलेंस साउंड होता है वो बैलेंस साउंड ही आपको यहाँ पे डिलीवर होता है, तो ये एक इसका एडवांटेज है। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में ये पॉइंट्स आते हैं गाइस। ट्विटर सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है LG के साथ, आप देख सकते हो साउंडबार में ही यहाँ पे दो एक्स्ट्रा ट्विटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में एक ट्विटर है, राइट कॉर्नर में एक ट्विटर है, तो कुछ एक्स्ट्रा ट्विटर्स है, इससे आपका ट्रबल काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये हो जाता है गाइस हमारा कंपैरिजन। तो बस गाइस यही था आज के कंपैरिजन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।